बहुत बुरा हाल हो गया, पसीने पसीने हो गया, थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है, हार्ट बीट भी अभी तेज हो गई, 105 के आसपास हो गई हार्ट बीट। किसी को भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ मैं तुम्हें, लिटरली बता रहा हूँ, ऐसा तो स्टेरॉइड लेने के बाद भी नहीं होता। लिटरली देखो हाथ पांव सिवर कर रहे हैं। 157 पहुंचा हुआ है हार्ट बीट, थोड़ी सी कम हुई है, 126 पे आई है, 136 पहुंच गई थी। पानी और पीना। क्या लिया था? वो लिया था ना फैट बर्नर, क्लोमा फार्मा का ब्लैक स्पाइडर, और हार्ट बीट बढ़ गई। मेरी एक आदत रही है हमेशा से कि स्टोर पे जो भी सप्लीमेंट होता है मुझे उसको यूज करके देखना होता है, ताकि मैं किसी को ये रिकमेंड कर पाऊँ कि इसका रिजल्ट क्या है और क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं। एक दिन में एक कितनी गोलियाँ, इसमें 100 गोलियाँ, 100 खाना पड़ेगा, डू नॉट एक्सीड 2 कैप्सूल्स पर डे, डाइटरी सप्लीमेंट। पहली बार खा रहा हूँ ये भाई, मैं फिट रहा। हैवी ब्लैक कलर, मैं इतना तो स्टेरॉइड लेते हुए नहीं डर लगता जितना ये लेते हुए लग रहा है। और इसी वजह से मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था, एंड दैट माइट कॉस्ट माई लाइफ। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस बार जो मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ वो मुझ पर भारी पड़ने वाला था। मैंने मजे मजे में ये ब्लैक स्पाइडर जिसमें एफेड्रा होता है खा तो लिया था, लेकिन इसके बाद जो मेरी हालत हुई वो आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू लाइक। जो साइड इफेक्ट मुझे इससे हुए वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला, मेरा हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, 90-100 BPM तक चली गई थी मेरी हार्ट रेट, हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे, एंड माय मॉम वाज रबिंग माय हैंड्स एंड फीट। ये तो बस शुरुआत थी। 2 घंटे तक तो मुझे कुछ ज्यादा घबराहट नहीं हुई, लेकिन जब 2 घंटे बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा खड़े होके चल लेता हूँ, फिर जैसे ही मैं उठा मेरे साथ ये 130 हार्ट बीट पहुंच गई यार। मुझे नॉर्मल स्टेट में आने में कम से कम 6-7 घंटे लगे, लेकिन अब भी मैं कम्प्लीटली रिकवर नहीं हुआ था 6-7 घंटे बाद भी, बट हाँ थोड़ा बेटर फील होने लग गया था, तो मैंने कहा थोड़ा सा बाहर आउटिंग कराता हूँ। सुबह हुई तो मैं लैब गया जहाँ पे मैं अपने सारे टेस्ट करवाता हूँ, सोचा उनके पास जाके डिस्कस करूं कि मेरे साथ आखिर ये हुआ क्या है, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरा थोड़ा स्टेट ऑफ माइंड कंट्रोल में रह पाया था, एंड आई वॉज वेरी थैंकफुल फॉर हिम। उन्होंने ही मुझे समझाया था कि पानी बार बार पीते रहो, वॉशरूम जाते रहो, और अपने माइंड को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट रखो, उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत। अब तक मेरी हेल्थ ठीक हो चुकी थी, मेरा मूड भी अच्छा हो चुका था, एंड उसके बाद जो डिस्कशन हुआ वो ये है। देखो ये वाली है, ये लेने के बाद हुआ था बुरा हाल। वजह क्या है कि ऐसे हार्ट बीट बढ़ गई, हाथ ठंडे पड़ गए। इसका कुछ शूट नहीं किया, एक ग्रुप होता है मेडिसिन का, एक ग्रुप होता है जैसे कोई ग्रुप हमें शूट करता है नहीं शूट करता है ना, बड़े बड़े भाई जान वो एक ग्रुप का है जो वो शूट नहीं करता है। अच्छा, उनसे जो भी मेडिसिन हो उससे फीवर का हो कुछ भी हो एनर्जी होने लगता है उनको, तो वो लेते ही नहीं। तो कोई ऐसी चीज है इसके अंदर, मैं एक एफेड्रा डाला हुआ है, ये एफेड्रा होता है ना, ये बैन सब्सटेंस है, तो हो सकता है वो आपको सूट नहीं कर रहा है। एफआईआर बताओ, ये हार्मफुल नहीं है बहुत ज्यादा? नहीं, वो जैसे ये किसी को सूट कर रहा होगा, एफेड्रा बोल रहे हैं, वो किसी को सूट कर रहा है तो उसको कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा। और ये चेक करा मैंने, जेनुअन है? हाँ जेनुअन होगा, ब्लड ग्रुप जो होता है ना, ब्लड से भी किसी कोई ब्लड सूट करता है उसको कोई नहीं सूट करता है। भाई मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए, मेरी मदर मेरे हाथ पांव को ऐसे ऐसे सहला रही थी, समझ रहे हो, मेरी बॉडी ऐसे ऐसे शिवर कर रही थी, पसीने आ रहे थे और ठंड लग रही थी बॉडी। डॉक्टर से इंजेक्शन लेने के बाद ही यूज की, और ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल यूज किया मैंने, सिर्फ एक गोली खाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था मैंने। मैंने कहा चेक तो करूं कैसा रिजल्ट आता है, बहुत असर पड़ा यार। अब जाके मेरी हार्ट बीट नॉर्मल हुई है, कल तो मैं पूरे दिन इसी पे चिपका रहा हूँ, 109 अब है, एक्सरसाइज करके आया हूँ मैं भी, कल मेरी 136 सिर्फ बैठे बैठे ऐसी हालत हो गई थी। अब मैं सोच रहा हूँ यार मैंने किसी साथ बुरा तो नहीं किया, मैं माफी मांग लेता हूँ उससे। और लिटरली जब मम्मी आई है ना, तो मैंने मम्मी को पता क्या, मैंने मम्मी को पता क्या बताया, मैंने कहा मामा इस मेरे फोन का पासवर्ड ये है, ये पासवर्ड लगा रखा। मैंने कहा ऐसा ना खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, पासवर्ड ना मिले, कम से कम सारी डिटेल तो मिल जाए मम्मी को फोन में। थैंक यू यार, कल तो सच में बहुत डर गया। बट लेट्स डिस्कस कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहली चीज जो मुझे खटक रही थी वो ये कि मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए, जबकि एफेड्रा का ऐसा कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। उसकी वजह है ये, जब आपकी बॉडी में एफेड्रा जाता है तो एक केमिकल रिलीज करता है जिसे कहते हैं न्यूरोपाइनेफ्राइन।
जो हमारे ब्लड वेसल्स को टाइट कर देता है और इस वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे हिस्सों में ब्लड नहीं पहुंच पाता एंड इस वजह से हाथ मुंह ठंडे पड़ जाते हैं। एंड खतरनाक बात ये है कि ब्लड वेसल्स आपकी पूरी बॉडी में होते हैं, हार्ट में भी होते हैं, तो सोच सकते हो कितना डेंजरस हो सकता है ये। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं इसके, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर होना, हार्ट अटैक एंड इवन स्ट्रोक जैसे केसेस भी होते हैं इससे। भाई ये है वो फैट बर्नर जिसको लेने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी, ब्लैक स्पाइडर। इसमें एफेड्रा है आपका 25 mg 25 mg। ये इतनी बुरी चीज है कि इसको लेने के बाद मेरी इतनी बुरी हालत हुई थी कि शायद मैं लाइफ में अब किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा, ना मैं ये फिटबॉक्स स्टोर पे कभी भी बेचूंगा। ठीक है, अगर आप लोग भी ये चीज लेते हो तो फौरन छोड़ दो, ये हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और आप मेरी वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कितनी बुरी चीज है। और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही गोली खाई है मैं, और ये मैं अभी फेंकने वाला हूँ, इसकी जगह कूड़े में, दुकान पे नहीं। हाँ, एक चीज और, ये ओरिजिनल है, इसका स्क्रीनशॉट मैं लगाऊंगा आपके सामने। इसको मैंने वेरीफाई किया था, ये ओरिजिनल निकला है। नकली होता तो भी मैं समझ जाता कि इतनी बुरी हालत मेरी हो गई, लेकिन ये ओरिजिनल है, उसके बावजूद भी इसने इतना बुरा हाल किया है मेरा। ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, यू गाइस आर वेरी लकी कि मैं हर चीज अपने ऊपर ट्राई करता हूँ, फिर उसके बाद अपने स्टोर पे बेचता हूँ। जब भी कहता हूँ फिटबॉक्स न्यूट्रिशन स्टोर से बिना टेंशन चीजें लिया करो यार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ आगे ऐसी ही। और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ट्रांसफॉर्मेशन पे, बहुत अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।